हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। आज हम लोग सिलेनियम के बारे में जानेंगे और हम कैसे उसका सेटअप करते हैं वो देखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि सिलेनियम एक्चुअल में करता क्या है। सिलेनियम एक फ्रेमवर्क है जो बेसिकली क्यूटीपी के कंपटीशन में लॉन्च किया गया था। जब ये सिलेनियम आया, ये एक आरसी टूल के साथ आया। सिलेनियम आरसी जिसे हम लोग कहते थे, वो एक रिकॉर्ड एंड प्ले फीचर के साथ आया था। लेकिन उसके बाद जो आया उसे हम सिलेनियम वेब ड्राइवर को कहते हैं। सिलेनियम वेब ड्राइवर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। इसमें हम लोग मल्टीपल यूआई एक्शंस आराम से कर सकते हैं। ये कई सारी लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इनके साथ इंटीग्रेट होके बहुत ही इजी वे में यूआई को ऑटोमेट या कोई भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें सिलेनियम की, तो ये अपने आप में जावा में डेवलप्ड है। और हम इसकी बात करें आगे, तो इसमें कई सारी मेथड्स हैं। ये अपने आप में बहुत वास्ट वास्ट फ्रेमवर्क है। लेकिन हमें हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर हम देखें तो सिलेनियम की जार डाउनलोड करने के लिए हमें seleniumhq.org के अंदर जाके डाउनलोड टैब में जाना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर इसको जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे, तो आप यहां से सिलेनियम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है, इसको हम यहां से डाउनलोड करेंगे और आपके पास ये जार डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर आप यहां पर जाएंगे, मैं एक नया वर्कस्पेस बना लेता हूं। तो जब हमने ये जार डाउनलोड करी, तो हमने बेसिकली सिलेनियम का सारा कोड डाउनलोड किया। और आपको जो जो चाहिए वो ये है कि एक आपको आईडी चाहिए, जैसे मैंने अभी एक एक्लिप्स को यूज किया है। और जब आप जार डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई एरर आता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, आप अपनी जार फाइल को सेव कीजिए, बिकॉज ये जार फाइल बहुत ही सेफ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेनियम एक फ्रीवेयर है। कई लोग आप जानते होंगे कि फ्रीवेयर क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो फ्रीवेयर टूल्स होते हैं वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, और उसके अलावा उनकी एक अपनी कम्युनिटी होती है। जैसे सिलेनियम के केस में सिलेनियम की कम्युनिटी है जिसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर जार डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप यहां पर भी कुछ कस्टम डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने जावा इसको एक्लिप्स को रीस्टार्ट किया है। तो उससे पहले हम लोग सिलेनियम के साथ स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूं हम क्या-क्या यूज करने वाले हैं। हम एक जावा लैंग्वेज को यूज करेंगे, मोस्टली आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा हम लोग अभी के लिए जार ऐड करेंगे, लेकिन मेवन को भी हम यूज करेंगे और एक टेस्ट चेंजी को भी हम यूज करेंगे। ये सब बहुत बेसिक्स है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अभी हम लोग डिटेल में सिर्फ सिलेनियम को पढ़ेंगे, तो इन चीजों को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम बस इनके बारे में इतना जान लेंगे कि ये कैसे सपोर्ट करते हैं सिलेनियम को एग्जीक्यूट करने में। सो लेट्स से
मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैक्सिमाइज करके इसे मैंने एक अपना जावा प्रोजेक्ट बनाया। और उसके बाद उसके वो आप नेक्स्ट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है लर्न सेलेनियम। उसको यस करेंगे। जावा वर्जन जो मैंने यूज किया वो 1.8 है। और उसके बाद मेरा ये प्रोजेक्ट बन गया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट में एक जार फाइल ऐड करनी है, जो मेरी सिलेनियम की जार फाइल है। तो इसके बाद जब मेरी ये जार फाइल आएगी, तभी मैं अपने सारे के सारे सिलेनियम के मेथड्स को यूज कर पाऊंगा। तो मैं बिल्ड पाथ में जाके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करूंगा। उसके बाद मैं जाके ऐड एक्सटर्नल जार्स करूंगा लाइब्रेरीज में जाके। और मेरी अभी जो जार है मैंने डाउनलोड करी है, वो मेरी ये सिलेनियम स्टैंड अलोन जार है, जिसको मैंने अप्लाई किया और ओके किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहां पर जो मेरी जार है वो ऐड हो गई है। ये रही मेरी जार। और अब मैं एक क्लास फाइल में वैलिडेट करूंगा कि क्या मैं इसके मेथड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। तो ये मेरा सैंपल क्लास है, इसको फिनिश करेंगे। तो अभी जो मैं ये जार ऐड कर ली है और उसके बाद मैं क्लास फाइल बना रहा हूं, तो ये मेरी एक सैंपल क्लास फाइल है जिसको मैं खुद एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से मैंने एक मेन मेथड बनाया। तो जब ये मेन मेथड बन गया यहां पर, ये यहां पर क्या करेगा, मैंने एक वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो सिलेनियम का है उसे इनिशियलाइज किया। तो अभी आप देखेंगे यहां पर मैंने वेब ड्राइवर इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब मैं यहां होवर करूंगा तो ये मुझे सजेशंस देगा कि आपको क्या क्या इंपोर्ट करना चाहिए इसके लिए। तो जब मैं यहां देखूंगा तो ये कह रहा है चेंज टू वेब ड्राइवर जो org.openqa.selenium में पड़ी है। तो मैंने इसे चेंज कर दिया, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी, तो इसने मुझे ये इंपोर्ट करके दे दिया। सिमिलरली जब मैं फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास को यूज कर रहा हूं यहां पर, तो जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो इसने मुझे कहा चेंज टू फायरफॉक्स ड्राइवर, और उसको भी इसने इंपोर्ट कर दिया। तो इससे पता चल गया कि मेरा एक प्रोजेक्ट जिसमें मैं सेलेनियम यूज करना चाहता हूं वो क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस सेम चीज को हम मेवन और टेसियन जी से कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपना वन बाय वन डिफरेंट चीजों को सिलेनियम में समझेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।